दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर बीते दिन बारिश देखने को मिली, साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। आंधी और तूफान की वजह से एक खंडहर मकान पर बड़ा सा पेड़ गिर गया, जहाँ बस्तर और दूर संभाग में भी बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा मरवाही में बीते दिन तेज बारिश और आंधी तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि नजर आई और इससे एक बड़ा पेड़ भी घर की छत पर गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ खंडहर मकान पर गिरा, जिससे हादसा टल गया। जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। बस्तर और दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ भी हल्की बारिश के आसार हैं। समुद्र से आ रही हल्की नम हवाओं के कारण प्रदेश में मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले 24 घंटे तक प्रदेश में मौसम ऐसे ही रहने हैं, साथ ही इसके बाद जो है दिन का पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने वाला है। दुर्ग में सबसे ज्यादा तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस बीते दिन जो है रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट की बात करें तो सरगुजा, जसपुर, पिंडरा, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार से लेकर दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिले में हल्की बूंदाबांदी के आसार आज नजर आ रहे हैं। रायपुर में ड्रिलिंग पाइप से एक चलती ट्रेन टकरा गई, जहां एसी कोच की खिड़कियों के कांच टूट गए, जिसकी वजह से यात्रियों का हाथ भी कट गया। नाबालिग की आंख में भी एक चोट आई है। दरअसल रायपुर से गुजरने वाली शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेसवे हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। रविवार को उरकुरा रेलवे स्टेशन से गुजरते समय ट्रेन से ड्रिलिंग मशीन का हेड टकराने लगा, जिससे एसी कोच के खिड़कियों के कांच टूट पड़े। उनमें से 3 यात्री घायल हो गए। 30 साल के सफाई कर्मचारी स्टाफ नारायण चंद बाग और 30 साल के यात्री देवारी लाल धीवर को हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों यात्रियों को नारायणा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं एक 12 साल के लड़के के आंख के पास भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि कांच और लोहे के टुकड़े की वजह से ये चोटें आई हैं। खबर मिलते ही DRM और रेलवे के सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यहां छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी CSPDCL अवैध रूप से काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा होने से टल गया और ये बड़ा हादसा होने से टला। हालांकि हादसा हुआ है। खबर रायपुर से, जहां बंदूक चलाने और तलवारबाजी करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बजरंग दल के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां प्रांत संयोजक ने कहा कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। रायपुर में बजरंग दल ने युवाओं को बंदूक चलाने, तलवारबाजी करने, लाठी भांजने जैसे कामों की जो है ट्रेनिंग दी है। दरअसल 12 से 19 मई तक बजरंग दल ने शौर्य प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया था और ये एक तरह का कैंप था, जहां प्रदेश भर से आए युवाओं को योग, व्यायाम और सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सिखाई गई। इस कैंप को लेकर बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा ने बताया कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह यहां यूथ को ट्रेन किया गया और यहां पूछे जाने पर इसकी क्या जरूरत थी। ऋषि ने बताया कि यूथ को हेल्दी एक्टिविटी से जोड़ना चाह रहे थे। अब हर कोई सेना में नहीं जा सकता, मगर मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग देकर ये कोशिश की गई है कि वो फिजिकली तौर पर फिट हो। बजरंग दल का ये शौर्य प्रशिक्षण वर्ग 7 दिनों तक रायपुर राजधानी के धनेली में हुआ। लगातार 7 दिनों तक विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री और प्रांत के पदाधिकारियों ने यूथ को सनातन संस्कृति के बारे में बताया और फिजिकल ट्रेनिंग भी दी गई। इस शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से तकरीबन 180 बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे। आने वाले 7 दिनों तक आंधी और तूफान के साथ बारिश या फिर गर्मी को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। प्रदेश में आए बादलों की वजह से गर्मी का एहसास कम हुआ है। वहीं आने वाले दिनों में बादल साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होगी। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण से आ रही नमी की वजह से नौतपा में भी तापमान ज़्यादा बढ़ने की संभावना बेहद कम ही दिखाई दे रही है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा के मुताबिक नौतपा में भी प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक के आसपास ही रहने की संभावना है। लगातार हो रही बदली और बारिश के कारण मौसम का मिजाज उतना सख्त नहीं हो पाया है, जितना सामान्यतः मई के महीने में रहता है। दुर्ग को छोड़ दें तो फिलहाल राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के अगर रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर के अधिकतम तापमान की बात करें तो ये अभी सामान्य से नीचे चल रहा है। बीते 2 दिनों से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, बारिश के आसार भी बने हुए हैं। हालांकि सुबह से बादल छाए रहे, जिसके चलते एक बार फिर से सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है।
रायपुर पहुंचे सुरेश रैना ने कहा कि माही एक बार फिर से आईपीएल में दिखेंगे। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग को लेकर डिप्टी सीएम से इन्होंने मुलाकात की और इनको यहां छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग यानी सीपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रविवार को फेमस पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजधानी में डिप्टी सीएम अरुण साहब से मुलाकात की। रैना को छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसी की तैयारी के आयोजन को लेकर उन्होंने साफ से चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने धोनी को लेकर कहा कि माही भाई अगले साल एक बार फिर से आईपीएल खेलते दिखेंगे। डिप्टी सीएम के साथ ही खेल संघ के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की और यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे एक खास कार्यक्रम से वो जुड़े हुए हैं और इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल क्रिकेट इवेंट्स होंगे और प्रदेश के खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच मिलने वाला है। सामाजिक और व्यापारिक संस्थाएं मिलकर आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रही हैं। रायपुर में इसके मैच होंगे। इस कार्यक्रम की औपचारिक जानकारी देने ही रैना अरुण साहब के बंगले पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में सुरेश रैना ने कहा कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग शुरू होने वाले हैं। क्रिकेट लीग की तैयारियों को लेकर रायपुर आया हूं। छत्तीसगढ़ में इस लीग से क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रैना ने आईपीएल में आरसीबी से मिली हार के बाद सीएसके के बाहर होने पर कहा कि सीएसके के पांच पांच ट्रॉफी है और अब विराट कोहली भी क्वालिफाई करे। कोहली हिंदुस्तान का उभरता सितारा है और एमएसडी को अगले साल आप फिर से आईपीएल खेलते दिखेंगे। 50 परिवारों के 120 लोगों की एक बार फिर से घर वापसी कराई गई। बलरामपुर में श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया। प्रबल प्रताप ने कहा कि धर्मांतरण नहीं, ये राष्ट्रांतरण है। दरअसल बलरामपुर में कंदरी में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ और वनवासी श्री राम कथा के आयोजन में 50 परिवारों के तकरीबन 120 लोगों के घर वापसी कराई गई। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की मौजूदगी में धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों का पांव पूछकर उनकी घर वापसी कराई गई। इसके पहले 80 परिवारों की घर वापसी कराई गई थी, जिसमें प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा था कि धर्मांतरण देश की सबसे बड़ी समस्या है और यह धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण है। बलरामपुर जिले के ग्राम कंदरी में प्राचीन श्री राम मंदिर परिसर में आयोजित 9 कुंडीय श्री राम महायज्ञ और वनवासी श्री राम कथा का आयोजन आचार्य सतानंद महाराज के सानिध्य में किया गया है। रविशंकर यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर एग्जाम की तारीखों में बदलाव किया है, जिसमें 18 और 19 जून को ये परीक्षा होने वाली थी, जिसके लिए अब एक नया टाइम टेबल जारी किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव हुआ है, जहां यूनिवर्सिटीज़ ने कई विषयों के टाइम टेबल में बदलाव किया है और इसके साथ ही एक नया टाइम टेबल भी विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने एमकॉम, एमए, एमएससी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर समेत कई विषयों के टाइम टेबल में काफ़ी बदलाव किए हैं। एमए, एमकॉम की बात करें तो सेमेस्टर के लिए जो परीक्षा है वो 18 जून को होने वाली परीक्षा 1 जुलाई को होगी। एमकॉम चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 19 जून को होने वाली परीक्षा 4 जुलाई को होगी। एमए एमएससी के दूसरे सेमेस्टर की 18 जून को होने वाली परीक्षा 1 जुलाई को, जबकि एमए एमएससी चौथे सेमेस्टर के 19 जून को होने वाली परीक्षा अब 4 जुलाई को होने वाली है। वहीं बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन दूसरे सेमेस्टर की 18 जून को होने वाली परीक्षा 3 जुलाई और चौथे सेमेस्टर की 19 जून को होने वाली परीक्षा 5 जुलाई को कराई जाएगी। साथ ही बीबीए के दूसरे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं के तारीखों में भी बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के छात्र जो है पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं, जहां नाखुश छात्र 24 मई तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए बस्तर के छात्रों को फीस में 50% की छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं बोर्ड के तहत पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब खत्म होने के कगार पर है, जहां 24 मई तक आवेदन की आखिरी तारीख है, जहां रिवैल्यूएशन के अंतर्गत कापियों का दोबारा मूल्यांकन होगा और इसके बाद 10% यदि नंबर बढ़ते हैं तभी रिजल्ट में बदलाव होगा, अन्यथा रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसी तरह वी टोटलिंग के अंतर्गत मूल्यांकन के दौरान जो नंबर मूल्यांकनकर्ताओं ने दिए हैं उसे एक बार फिर से जोड़ा जाएगा और इसमें एक भी नंबर कम या ज्यादा होने पर ये अंक रिजल्ट में जुड़ेगा और इसके लिए नई अंक सूची भी मिलेगी। पिछले दिनों से छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए गए थे, जहां इसके अंतर्गत 10वीं का 75% जबकि 12वीं में 80% जो परीक्षार्थी थे वो पास हुए थे।
छत्तीसगढ़ में एग्री बिजनेस और पोस्ट हार्वेस्टिंग के 4 नए कॉलेज खुलने वाले हैं, जहां उगाने से लेकर के फसलों को बेचने तक के लिए एक अलग महाविद्यालय की शुरुआत होगी, जहां यूनिवर्सिटी ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई के लिए जल्द ही 4 नए सरकारी कॉलेज खुलने वाले हैं और इन कॉलेजों में उद्यान विज्ञान, उसमें प्रोडक्ट तैयार करने से लेकर मार्केटिंग तक की पढ़ाई कराई जाएगी। ये सभी कॉलेज महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से संबद्ध होंगे। इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज जसपुर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कॉलेज सनावल रामानुजगंज और अंबिकापुर व रायगढ़ में एक एक हॉर्टिकल्चर खोले जाने की योजना है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कॉलेज देश के कुछ ही केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों में संचालित हैं। हॉर्टिकल्चर बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसके अलावा फसल की कटाई के बाद उसके प्रिजर्वेशन पर आधारित कोर्सेज आधारित होंगे। बीटेक के अलावा फूड टेक्नोलॉजी की भी 4 साल की डिग्री मिलेगी। एग्री बिजनेस में बिजनेस मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर की डिग्री भी मिलने वाली है और साथ ही फाइनेंस और मैनेजमेंट से संबंधित विषयों की भी पढ़ाई होगी। और अब खबर गिरौदपुरी धाम से आ रही है, जहां बलौदा बाजार में जैत खाम में तोड़फोड़ के बाद बवाल हो गया, जहां सतनामी समाज के 2 गुरु आमने सामने आ गए। रुद्र कुमार ने कार्यवाही की मांग की, जबकि बालदास ने कहा कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम की एक बस्ती में बने जैत खाम और सतनामी समाज के पूजा स्थल में तोड़फोड़ को लेकर समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बलौदा बाजार जिले में बवाल के बाद अब समाज के 2 गुरु आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कार्यवाही की मांग की तो गुरु खुशवंत साहब ने कांग्रेस सरकार में हुए प्रदर्शन की याद दिला दी। शनिवार को रायपुर में पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि गिरौदपुरी धाम से 5 किलोमीटर दूर एक बस्ती मानाकोनी में यहां पुरानी गुफा हिनो गुफा के नाम से प्रचलित है और यहां किसी उपद्रवी ने हमारी आस्था के प्रति स्वेक जैत खाम को क्षतिग्रस्त कर दिया है और इसे पूरे सतनामी समाज में आक्रोश है। धाम में सतनामी समाज के लोग अब धरना दे रहे हैं। खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से आ रही है, जहां 5 लोगों की हत्या कर दी फिर अपनी खुद जान ले ली। दरअसल छत्तीसगढ़ में 3 साल के मासूम को हुई इस हत्यारे ने नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले से खबर, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों के खून से सनी सनसनीखेज लाश मिली, जहां एक लाश के अपने पर लिखने की जानकारी मिली। मामला सलीहा थाना इलाके के थरगांव का है, जहां शनिवार को घर के अलग अलग कमरे में एक मासूम बच्चा, 3 महिला और एक पुरुष की खून से जो है लथपथ लाश मिली थी। जानकारी के मुताबिक वारदात शुक्रवार की रात को अंजाम दिया गया, जहां मौके पर से हथौड़ा और कुल्हाड़ी भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि पड़ोसी युवक ने एक तरफा प्यार के चलते वारदात को अंजाम दिया। उसने मासूम समेत कुल 5 लोगों को मारने के बाद वहीं अपनी भी जान ले ली है। छत्तीसगढ़ में पहली बार GPS लगा प्रवासी विमरेल जो है दिखाई दिया। पूर्वी अफ्रीका से यहाँ पर गिधवा परसादा वेटलैंड पहुंचा है, जहां कैमरे में ये जो पक्षी है उसको कैद कर लिया गया है छत्तीसगढ़ के न्यूज़पेपर्स के द्वारा। छत्तीसगढ़ के जलाशयों में पहली बार GSM और GPS लगे प्रवासी पक्षी विमरेल को देखा गया, जहां ये मूलतः उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप का पक्षी है। इसके अटैक से पता चलता है कि ये प्रवासी पक्षी पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर के पास स्थित एक द्वीप से आया हुआ है और ये प्रवासी पक्षी है। और अब खबर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर, जहां पीडिया जंगल में हुए मुठभेड़ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपना बयान जारी किया है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में काफी दिनों तक प्रचार के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे, जहां उन्होंने पीडिया जंगल में हुए नक्सल मुठभेड़ पर कहा कि उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। नक्सलवाद का खात्मा भी हम चाहते हैं, लेकिन निर्दोष ग्रामीणों की हत्या के हम सख्त खिलाफ है। इसी के साथ ही भूपेश बघेल ने अन्य मुद्दों पर भी अपने बयान जारी किए। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि देश की राजनीति की धुरी है, जो भी सरकार बनेगी वो यूपी से जाएगा। लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और इस समय यह चुनाव जनता का है। बहुत सालों बाद यह स्थिति आती है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां 3 दोस्तों की बाइक जो है एक पेड़ से जा टकराई, जहां 3 लोगों की मृत्यु हो गई। शादी में जाने के लिए अपने घर से निकले थे, सुबह सड़क किनारे गड्ढे में इनके शव बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में बीती शाम को पेड़ से बाइक टकराने के चलते 3 दोस्तों की जान चली गई। 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची मौके पर पुलिस ने 3 के शवों का पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जहां मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक लैलूंगा ब्लॉक के सुब्रा गांव निवासी खुलेश्वर पैकरा, विजय भोए और लक्ष्मण चौहान को गेरू पानी में एक शादी समारोह में शामिल होने जाना था और इसके लिए 3 ही एक ही बाइक पर सवार होकर तकरीबन शाम 7 बजे घर से निकले थे और सुबह इनके शव की बरामदगी हुई है।
नक्सली ने कहा कि वर्दी उतार करके ग्रामीणों में मिक्स हुए, हथियार छिपाए। पुलिस ने कहा पीडिया में फोर्स ने हमें घेरा, बचा नहीं पाई तो यहां सरेंडर किया। दरअसल 10 मई को बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित पीडिया गांव में हुए नक्सली मुठभेड़ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जहां आदिवासी समाज, कांग्रेस, सीपीआई समेत सामाजिक कार्यकर्ता इस मुठभेड़ को फर्जी करार दे रहे हैं। साथ ही 12 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। और अब मुठभेड़ के 9 दिन बाद इसी इलाके की सरेंडर करने वाली 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली सरिता ने पुलिस के सामने अपने कई खुलासे किए। शनिवार शाम जो है इस महिला ने, नक्सली ने अपना बयान जारी किया, जहां इसमें इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई, जहां इसने कहा कि मैं भैरमगढ़ के ग्राम तड़केल की रहने वाली हूं। साल 2007 में दलम में भर्ती हुई थी और सरेंडर किए जाने तक कंपनी नंबर 2 में काम कर रही थी। मैं गांव की महिलाओं के साथ जाकर शामिल हो गई थी, ये इन्होंने बयान में जारी अपने कहा। साथ ही नक्सली यहां हैंडबुक मैनुअल फॉलो करना होता है, ये तमाम जानकारी इन्होंने दी और अपने तमाम सीक्रेट्स भी इनको बताया। पूर्व नक्सली से डिप्टी सीएम ने कहा कि घर आऊंगा तो भाजी खिलाना। कवर्धा के सरेंडर दंपत्ति से शर्मा ने बातचीत की वीडियो कॉल पर, जहां 10वीं पास होने पर इन्होंने बधाई दी। दरअसल ठीक है बहन, घर आ जाऊंगा तो खाना खिलाओगी ना, भाजी बनाना। ये बात छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा वीडियो कॉल पर आत्मसमर्पित नक्सली दंपत्ति से कह रहे हैं, जहां शर्मा ने 10वीं की परीक्षा पास करने वाले पूर्व नक्सली दिवाकर और उसकी पत्नी से बातचीत की फोन पर। सरेंडर के बाद दोनों ने अपनी आम जिंदगी जो है अपना ली है। दिवाकर ने स्कूल जाने की उम्र में नक्सलियों का साथ चुन लिया था और बंदूक उठा ली थी और कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल था। कुछ महीने पहले सरेंडर के बाद दिवाकर ने पढ़ाई शुरू की और इस साल 10वीं की परीक्षा भी दी, पास भी हुआ। तो गृह मंत्री ने वीडियो कॉल पर बातचीत की और इस दौरान कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव भी इस वीडियो कॉल पर विजय शर्मा के साथ, इस आत्मसमर्पित नक्सली के साथ मौजूद रहे।